अबे वो रैम्बो का बाप है, टर्मिनेटर का चाचा है, रॉकी का दादू है, ब्रूस का नाना है, लास्ट एक्शन हीरो वो। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं आपकी भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। क्या वापस आ रही है सलमान खान की फिल्म वांटेड? कौन होगा इस फिल्म में? सलमान के लिए ये फिल्म कैसे लकी साबित होगी? पॉलीग्राफ स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म निर्माता बॉनी कपूर लंबे समय से अपनी 2009 की हिट फिल्म वांटेड का सीक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन सलमान खान की हां के इंतजार में वक्त बीतता जा रहा है। अब उन्होंने सलमान का इंतजार ना करने का फैसला कर लिया है। पिछले कुछ समय से सीक्वल की चर्चाएं हो रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि सलमान बॉनी को जानबूझकर इंतजार करवा रहे हैं। इसकी वजह बॉनी के बेटे अर्जुन कपूर हैं, जिनसे सलमान की नाराजगी जाहिर है। फिल्म रेस 3 के प्रमोशन के दौरान सलमान ने अपनी आने वाली फिल्मों के नाम गिनाए थे और उनमें से वांटेड 2 का नाम कहीं नहीं था। संभवतः यही कारण है कि बॉनी ने अब वांटेड 2 के लिए सलमान की जगह दूसरे एक्टर की खोज शुरू कर दी है और टाइगर श्रॉफ का नाम सामने आ रहा है। वांटेड एक एक्शन फिल्म थी और टाइगर श्रॉफ आज सबसे प्रतिभाशाली एक्शन स्टार के रूप में उभरे हैं। हाल ही में कुछ सलमान ने उनकी तारीफ की थी। सूत्रों का कहना है कि बॉनी ने निर्देशक प्रभु देवा से मिलकर पिछले दिनों बात की और कहा कि वांटेड के सीक्वल के लिए टाइगर को लिया जा सकता है। इसके बाद टाइगर से बॉनी और उनकी टीम ने बातचीत की। कहा जा रहा है कि बॉनी ब्लॉकबस्टर बनी बागी 3 के बाद टाइगर की इमेज को भुनना चाहते हैं। तय है कि अगर टाइगर वांटेड 2 में आते हैं तो इससे फिल्म को बहुत फायदा होगा। बॉनी के करीबी सूत्र कह रहे हैं कि वांटेड 2 के लिए उनके पास बढ़िया कहानी है और टाइगर ने स्क्रिप्ट सुनने के लिए हाँ कह दी है। बॉनी फिल्म की भागदौड़ प्रभुदेवा को सौंप चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 2009 में वांटेड ने ही सलमान को उस वक्त चल रहे उनके खराब दौर से उभारा था और इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूत्रों के मुताबिक टाइगर ने हां की तो वह 2021 में वांटेड 2 के लिए समय दे पाएंगे। अगर टाइगर ने इस फिल्म के लिए हां कह दिया तो वह आज के समय के ऐसे पहले एक्टर बन जाएंगे जो 4 एक्शन फ्रेंचाइजी के किस्सा होंगे। आपको बता दें कि बागी एक एक्शन सीरीज है और इसके अलावा टाइगर गणपत और हीरोपंती के सीक्वल भी काम कर रहे हैं। गणपत 3 पार्ट में रिलीज होगी, इसलिए यह भी फ्रेंचाइजी में ही आएगी। टाइगर ने एक्शन हीरो के रूप में एक ऐसा बार सेट कर दिया है कि वहां तक पहुंचना तो दूर, बल्कि कोई एक्टर आज के जमाने में इतनी एक्शन फिल्म करने का भी नहीं सोच सकता। क्या वांटेड में सलमान की जगह टाइगर आएंगे दर्शकों को पसंद? कमेंट कर हमें अपने राय बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।